आपके पास लौटता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया है, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। पीसी शर्मा ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया, हमने ईवीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पीसी शर्मा कह रहे हैं खंडवा में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। तो बड़ा आरोप यहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री, उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी यह भी दावा उन्होंने किया है। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खंडवा में ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और यह हमने शिकायत भी दर्ज करवाई है, ईवीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। तो ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया पीसी शर्मा की ओर से, हमने ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं और साथ ही साथ दावा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़े अंतर से जीतने वाली है। उपचुनाव के शुरुआती रुझानों में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर बीजेपी आगे है, रेगांव में जरूर कांग्रेस ने थोड़ी सी बढ़त बना रखी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जो खंडवा की जिम्मेदारी संभाली थी आपने। सर, वहां भी पिछड़ गए आप लोग, बाकी उपचुनाव के इलाकों में भी थोड़ा बहुत पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये शुरुआती रुझान है और जैसा आपने बताया कि रेगांव में आगे हैं, बाकी भी जो बढ़त है बीजेपी की, ये जब 25-30 राउंड हो इतनी मार्जिन कोई बात नहीं। मैं भी अपने चुनाव में पीछे था, उसके बाद मैं आगे हुआ था और फिर 8,000 वोट से जीता, लेकिन तो इसलिए ये शुरू के रुझान ये तय नहीं कर सकते चुनाव का रिजल्ट। लेकिन सवाल ये सर कि शुरुआत के रुझान में क्यों आगे निकल गई बीजेपी? क्या आपने जो मुद्दा बनाया था महंगाई का, बेरोजगारी का, ये तमाम मुद्दे बनाए थे, वो मुद्दे नहीं चले? ये मुद्दे चले हैं और ये मुद्दा नहीं है, ये जनता की पीड़ा है। डीजल पेट्रोल सातवें आसमान पर होना, 1,000 रुपये की रसोई गैस होना, बिजली के बड़े बड़े बिल आना, बेरोजगारी होना, ये जनता इस चीज़ का एहसास कर रही है। और हो सकता है इस पूरा शासन प्रशासन का जिस तरह से बाहुबल का उपयोग किया है, लोगों को डराया धमकाया है। आज जो शुरुआती वोट होता है कर्मचारी का, कर्मचारी को डीए दिए नहीं, उनके कोई बात सुनी नहीं, उनका पदोन्नति हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, उसके बाद कहाँ से वोट डल जाएंगे? ये सब दबाव और पूरा प्रेशर पॉलिटिक्स है वो जो बाई इलेक्शन में उन्होंने उसका उपयोग किया है। और हमने देखा जिस तरह से पृथ्वीपुर में पूरी गुंडागर्दी हुई है, यूपी से गुंडे लेके आए, ये सब चीज़ देखी है हमने। रुझान अगर परिणाम में बदलते तो कांग्रेस किस तरीके से लेगी? ये अब पूरे रिजल्ट आए उसके बाद समीक्षा करेंगे क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ तक खंडवा लोकसभा का है, हमने वहाँ चुनाव आयोग को, कलेक्टर को जो ऑब्जर्व आए थे, वहाँ से लेके भोपाल और दिल्ली तक कुछ चीज़ों पर ऑब्जेक्शन किए थे। जिस तरह से कंप्यूटर से मशीनें वहाँ पे जुड़ी हुई थी, इसके ऑब्जेक्शन हमने लिखित में दिए हुए हैं, बार बार उनको चताया कि इसमें गड़बड़ी। यानी आप धन बल और ईवीएम पर फिर सवाल? सब धन बल ईवीएम जो कुछ इनके पास, ये जो चुनाव हारे दमों का, उसके बाद इनने पूरी तरह से तैयारी कर ली कि चुनाव नहीं हारना है, इसके लिए क्या क्या करना है वो सब कर दिया। यानी आप ईवीएम को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेट की गई? लोकसभा का जहाँ तक चुनाव है, इसकी कंप्लेंट की है ना उन्होंने लिखित में, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। यानी आप कह रहे हैं कि खंडवा लोकसभा पर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, बाकी छेड़छाड़ की गई है और बाकी अब रिजल्ट आने दीजिए फिर बात करेंगे। तो ये दे सकते हैं पीसी शर्मा हैं जो कह रहे हैं ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, परिणाम आने दीजिए, धीरे धीरे साफ हो जाएगा और कांग्रेस जीत हासिल करेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है, 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज 24 भोपाल।